वेलकम टू चूलो आसमान। मेरे साथ हैं जरा सोचिए हमारा सेगमेंट है और उसमें हमारे साथ हैं खुशबक आपा। और खुशबक आपा से हम बात करें विमेन एम्पावरमेंट की। जी आपा, अच्छा अभी जो फोन आया था आपके पास, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही कि औरत जो है वो अपने मर्द घर के मर्द की सपोर्ट के बगैर बहुत एतमाद से काम नहीं कर सकती। इट्स फैक्ट, क्योंकि आपको जब मुआशरे में निकलना पड़ता है चारों तरफ, और हम क्यों ये लड़ाई सोचें और ये क्या मुकाबला है, ये माइंड सेट चेंज हो जाए अगर, और हो रहा है। पढ़ने लिखने का भी इसमें मुझे फर्क नजर नहीं आता। देखिए, पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग भी खवातीन के हुक को गस्प करते हैं। यही मैं आपसे, आप देखिए पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग, अगर उनके हलकों में अगर तीन औरतों को जिंदा दफन कर दिया जाए, और पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों के खानदानों में कुरान से शादी कर दी जाए, और पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबरान के गांवों में और गोठों में औरतें जंजीरों में बंधी हुई पड़ी हुई हो, तो फिर इस माइंड सेट को आप क्या कहें, कैसे चेंज? ये माइंड सेट है जिसको चेंज करने की जरूरत है, और वो चेंज करने के लिए आपको पूरा एक सिस्टम चेंज करना होगा जिसमें दरार डाली है हमारे उस दिन के जलसे ने। अब मैं फिर थोड़ी सी बात उस जलसे की इसलिए कर रही हूं कि पाकिस्तान की तारीख का वो सबसे बड़ा जलसा था खवातीन का, और ऐसा ना एशिया में हुआ ना कभी यूरोप में हुआ कि इतनी लाखों था, तो इसीलिए गिनीज बुक के लिए उसका नाम तजवीज किया गया। और कैनेडा से जो एक मंदूब आई हुई थी, वो खातून उस समय साथ ही वहाँ स्टेज पे खड़ी थी, उन्होंने वो निगाह डाली और उन्होंने कहा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से जलसे जुलूस, क्योंकि पोलिटिकल राइटर हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा मैंने आज नहीं देखा, समा ही नहीं देखा। तो वो एक अजीब और गरीब वालेहाना समा था, और उससे ये साबित हो रहा था कि वो खवातीन जो वाकईतन अपने आप को बाख्तियार बनाना चाहती हैं, जो बाख्तियार बनना चाहती हैं, और जो मुआशरे में अपना किरदार अदा करें। बाख्तियार का मतलब ये नहीं होता कि हम कहीं नारे ही लगाएं, झंडे ही उठा के, बाख्तियार का ये मतलब नहीं होता कि हम कहीं मर्दों से लड़ने लगेंगे। बाख्तियार का ये मतलब है कि वो औरत जो अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने नस्ल के लिए, और अपने मुआशरे माहौल मुल्क की सतह पे, मैं उसका वसी कैनवस है, मुल्क की सतह तक बाख्तियार होकर वो अपना हिस्सा डाले अपने काम का और मिट्टी का कर्ज चुकाए, ये होता है एक बाख्तियार औरत। अच्छा, आपा इधर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी कि देखिए औरतें, अगर हम समझते हैं कि हम जलसे कर रहे हैं या हम कोई भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो कहीं हमारे माइंड में ये नहीं है कि हम मर्दों को नीचा दिखाना चाहते हैं या मर्द को हम नीचा दिखाना चाहते हैं। बात ये होती है कि हमें इस चीज तक लाया कौन है, मर्द ही लेके आए हैं, क्योंकि मर्द ही आपको पीछे डाल रहे होते हैं हर बात में, औरत को पीछे कर रहे होते हैं। आप देखें, एक दो मियां बीवी होंगे, अगर औरत ज्यादा कमाने लग जाएगी, मियां को इनसिक्योरिटी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल, बिल्कुल। कि मेरी बीवी क्यों इतना कमा रही है, या मेरी फेमस हो जाए तो वो फेमस हो जाएगी तो उससे उसको प्रॉब्लम होगी, हालांकि औरत कभी भी ऐसा नहीं सोचेगी। हाँ, लेकिन इसमें एक बात है, जो जिन मर्द हजरात में, मैं माजरत के साथ कहूंगी, और ऐसे बेशुमार हैं जिनमें एहसास कमतरी होता है, जिनमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो अंदर से वीक होते हैं, जिनको ये डर रहता है कि ये जो मेरे साथ मेरी पार्टनर है, इसने कोई काम मुझसे बेहतर कर लिया तो मैं वीक पड़ जाऊंगा, वो लोग जरूर हर्डल बनते हैं। जो कॉन्फिडेंट होते हैं, जो अपनी माओ बहनों का एहतराम करते हैं, जो वाकईतन समझते हैं कि औरत एक काबिल एहतराम हस्ती है, जो वाकईतन प्यार करते हैं ऐसी खवातीन से कि जो उनके आसपास उनके रिश्तों में, देखे ना मुखालफीन भी तो कितने खड़े हो गए ना उस जलसे के बाद के, जी उन्होंने जलसे में शीमा किरमानी का बड़ा एक जोश शोर डला हुआ है कि क्या उनका कोई परफॉर्मेंस थी, पता नहीं क्या था, काश होती। और अब आपने इशारा कर दिया तो कोशिश करेंगे कि हो जाए। और काश होती सीमा के, लेकिन वो जो परफॉर्मेंस थी वो हमारी APMSO, जो हमारी स्टूडेंट फाउंडेशन है, जिसको सबसे पहले अल्ताफ हुसैन भाई ने बनाया था, और उसके प्लेटफॉर्म से एक तहरीक ने जन्म लिया, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वाक़ा है। एक लीडर स्टूडेंट तहरीक से निकला, उसने स्टूडेंट को जमा किया और ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स फोरम बना के उन्होंने उसको आगे लेकर, उन्होंने एक छोटा सा स्किट पेश किया था। अच्छा। बड़ा मासूम स्किट था, ना वो एक्टर्स थे ना वो डांसर्स थे, वो स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के। उन्होंने ये बताया कि जो हमारा फ्यूडल सिस्टम है, उन्होंने फ्यूडल लॉर्ड्स को, अब शिकायत तो आएगी आपके पास, क्योंकि जाहिर है फ्यूडल हाईलाइट जो कर दिया, सिस्टम में आपने एक दरार डालने की कोशिश की, उस पे कुल्हाड़ा चला दिया, गजब हो गया, वो बुरे लग गए लोगों को बातें, आपने किसकी आंख में आंख डाल दी, आप तो कमी कमीन हैं, आप तो जलील हैं, आप तो छोटे तबके के हैं, आप तो गरीब हैं, आपने कैसे ये बता दिया कि एक फ्यूडल जो है उसका एटीट्यूड क्या होता है। तो APMSO ने तो उसने जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया, बहुत मासूम स्किट था, उसमें आपको प्रोडक्शन की खराबियां दिख सकती हैं, उसमें आपको ये दिख सकता है कि एक्टिंग सही नहीं थी, कुछ हो सकता है, लेकिन उसका जो थीम और उसका कॉन्सेप्ट था, इट वाज वंडरफुल।
बेचारी सीमा किरमानी का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, अगर वो आ जाती हैं और वो करती हैं तो हमें और क्या ही बात होती। बिल्कुल, एक कॉल है आपका हमारे साथ, जायदा बात करी कराची से। अस्सलाम वालेकुम जायदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आमना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप आज तो आपने इतनी प्यारी शख्सियत बुलाई है जी। मैं दुआ मांग रही थी, लम्हे मेरी कॉल लग गया और आप चले, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ, आपकी बातें यकीन माने, आप बात कर रही थी, मैंने कहा मेरी कॉल लगी तो मैं इस टॉपिक पे खवातीन की मैं बात जरूर करूंगी, और वो यकीन माने वो सारी बातें आपने कह दी। शुक्रिया। जो हमें सपोर्ट है ना, हम आगे मर्दों के बगैर बढ़ ही नहीं सकते, चाहे वो बाप हो, बेटा हो, शौहर हो, भाई हो, कोई भी हो, उसके बगैर तो काम चल ही नहीं सकता जी। कुछ भी कितनी बच्चियां मेहनत कर लें, खवातीन कर लें, जब तक सपोर्ट नहीं होगी। मैं अपनी मिसाल अपने घर की, मेरी बेटी की शादी जल्दी छोटी उम्र में इंटर किया था, उसके साथ ने कहा नहीं हम पढ़ा लेंगे, बहुत अच्छी मेरी दोस्त भी है, मेरी समझदार भी, बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने वाकई मेरी बेटी को पढ़ाया, उसने शादी के बाद मास्टर्स किया, ग्रेजुएशन की और अच्छी जॉब की। यकीन माने सिर्फ किस वजह से, किसके ससुर और उसके मियाँ, उन्होंने कहा नहीं सपोर्ट भी नहीं, और आज माशाल्लाह एक अच्छे जॉब है उसकी, और अब अपना वो कारोबार भी कर रही है मियाँ के साथ मिलकर, और इसके बगैर हो ही नहीं सकते जब तक माँ बाप हो। माँ तो खैर सपोर्ट करती है हर हाल में, मगर बाप की तरफ से होती है सबसे बड़ी सपोर्ट, उसके बाद शादी हो जाए जी। सही। तो मैं ये कहूँगी कि ना, और आज आपा की मिसाल हमारे सामने है, बिल्कुल, कि देखिए माशाल्लाह जैसे बताया इन्होंने और वाकई, और आज देखें एक पार्टी, बड़ी पार्टी की, और माशाल्लाह बड़े अच्छे उदे पर है ये, और ये सब संभाल रही है अपना घर, बच्चे और सबको देख रहे हैं, सब ज्यादा इनको, सबने इनको सपोर्ट की। अब ये अकेली देखें आप कितने बड़े काम, जिम्मेदारी संभाल रही है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। और इसमें मैं आपको जरूर एक बात कहूंगी कि हैट्स ऑफ टू उन मर्दों के ऊपर जो इन चीजों को समझते हैं। देखिए सपोर्ट हम क्या बात आज करें, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या एक ट्विस्ट है बात में, कि मैं उन लड़कियों से भी बात करना चाहूंगी जिनको सपोर्ट नहीं होती बिल्कुल भी, लेकिन वो फिर भी किसी मकाम पे पहुंच जाती हैं। मैंने आपसे कहा ना, ऐसी खवातीन जो किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं जहां उनके साथ ना भाई है ना बाप, क्यों ऐसा होता है आपा, क्यों? ये भी बहुत बड़ी बात। देखिए इसमें एक अजीब सी बात है, हम जो खवातीन है ना, हम अपने भाई, अपने बाप, अपने शौहर, अपने बेटे के लिए बड़ी गुदाज मोहब्बत रखते हैं, है कि नहीं है? हम चाहते हैं हमारा भाई आसमान की बुलंदियों पे पहुंचे, बिल्कुल, हम चाहते हैं हमारा बेटा दुनिया में वो तरक्की हासिल करे जो किसी ने ना की, अपने हस्बैंड के लिए, हमारा शौहर जो है उसको अल्लाह ताला बहुत नेमतें अता करे, बिल्कुल, हम चाहते हैं हमारा जो बाप है उसकी इज्जत के हम अलमबरदार बन जाए, है कि नहीं? बिल्कुल। खवातीन मर्द हजरात के बारे में और अपने जो खूनी रिश्ते हैं उनके मामले में बहुत गुदाज होती हैं, बहुत जान से गुजर जाती हैं, मुंह नहीं खोलती, उफ नहीं करती हैं, मर जाती हैं, बस जब जनाजा उठ रहा होता है कहते हैं हमें बीवी बहुत अच्छी थी, सारी जिंदगी मियां के जूते खाती रही, उफ ना की, उफ ना करने के लिए उस औरत को खराज तहसीन मिलता है उसके जनाजे पे, ये हाल है। लेकिन वो मर्द हजरात जो हमारी जिंदगियों में इतने करीब है, मैं प्रिविलेज लेडीज की बात नहीं करी, जो अंडर प्रिविलेज हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि घरों में बैठे हुए जो मर्द हजरात सुन रहे हैं, जिनके यहाँ कोई बेटी बैठी है जो तालीम हासिल करना चाहती है, जिनके यहाँ कोई बेटी बैठी है जो पसंद की शादी करना चाहती है, जिसकी कोई पसंद है जी, कोई है जो जॉब करना चाहती है, सही, आप जरूर अपने बच्चों कोई हायर स्टडीज, अगर आपने बचपन से अच्छी तरबियत नहीं की, नहीं समझाया, नहीं बताया जिंदगी का अच्छा बुरा, आप अपने ही लल्ले तलल्लों में लगे रहे, फिर जब बच्चा बड़ा हुआ और उस बच्ची ने आपसे कोई डिमांड की तो आपने कहा नहीं, ये तो गजब हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर अपनी तरबियत पर एतमाद नहीं। सही, मैं तो ये कहूंगी, अगर मेरे वालिद को मुझ पर एतमाद था तो मैं आज यहाँ बैठी हूँ, मेरे शौहर को मुझ पर एतमाद है तो मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे बेटों को मुझ पर एतमाद है तो मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पूरे घराने के लोगों को मैंने फख्र दिया तो मैं यहाँ बैठी हूँ। तो असल में तो औरत को कई चौमुखी लड़ना पड़ती है, जज्बाती जंग भी है उसकी नफ्सी, वो तो खैर उसका खासा है और उसकी किस्मत में अल्लाह ने गूंद दिया, उसकी मिट्टी बना दी कि वो लोगों के साथ वफा भी करे, वो दुख सहे और उफ ना करे, ये तो उसकी मिट्टी में शामिल है, इसको तो आप कहीं किसी जगह चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर घर में बैठी हुई खवातीन या घर से बाहर आने वाली खवातीन सड़क पे जो चल रही हैं, उस दिन क्या अल्ताफ भाई ने ये मैसेज दिया ना कि कोई शख्स भला किसी लड़की को जो सड़क पे जा रही उस
टेढ़ी आंख से क्यों देखे। बिल्कुल सही, सारी दुनिया में जहाँ जहाँ एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया, मैं आपकी बात थोड़ी काटूंगी, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो गया, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ है खुशबख शुजात, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, प्लीज कॉल करें और हमें बताएं कि आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में। विल बी राइट बैक।